और अब बात कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण की करेंगे, जिनके खिलाफ बीते 20 दिनों से पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। ब्रजभूषण से एक बार फिर से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है। सूत्रों की माने तो ब्रजभूषण ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। इस बीच जांच में जुटी टीम अलग अलग राज्यों में लोगों के बयान भी दर्ज कर रही है। बीस दिनों से जंतर मंतर पर पहलवानों की लड़ाई जारी है। देश को मेडल दिलाने वाली बेटियां धरने पर हैं। सिर्फ एक मांग, कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ एक्शन। कल पहलवानों ने ब्लैक डे मनाया, सिर पर काली पट्टी बांधकर ब्रजभूषण के खिलाफ हल्ला बोला, तो वहीं दिल्ली पुलिस एक्शन में आई। यौन शोषण के आरोपी बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। मामले को लेकर उनका बयान दर्ज किया गया। इसके साथ ही ब्रजभूषण से कुछ दस्तावेज भी मांगे गए। सूत्रों के मुताबिक ब्रजभूषण ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा है। ब्रजभूषण का अब तक दो बार बयान दर्ज किया जा चुका है। वहीं आगे जांच में जरूरत पड़ने पर फिर से पूछताछ की जा सकती है। इसके अलावा कुश्ती संघ के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का भी बयान दर्ज किया गया है। विनोद तोमर भी दिल्ली पुलिस की FIR में आरोपी है। 6 सदस्यों की SIT के सामने ब्रजभूषण ने बयान दिया है। इस SIT में 4 महिला ऑफिसर्स हैं। महिला पहलवानों के बयान के आधार पर दिल्ली पुलिस अलग अलग इलाकों में जाकर पूछताछ और जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस जांच के लिए अब तक दिल्ली के बाहर उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक समेत कुछ और राज्यों में गई है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 30 लोगों के बयान लिए हैं। ये लोग अलग अलग राज्यों के हैं। इनमें वो लोग हैं जो इवेंट से किसी न किसी रूप में जुड़े थे। कुछ रेसलर के भी बयान दर्ज किए गए हैं। अलग अलग जगहों से फोटो वीडियो भी पुलिस ने कलेक्ट किए हैं। उधर पहलवानों को लगातार कई संगठनों का समर्थन मिल रहा है। लगातार जंतर मंतर पर समर्थक से लेकर राजनीतिक चेहरे पहुंच रहे हैं। पहलवान खिलाड़ी ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। और काली पट्टी हमने विरोध जताया है अपनी बहन बेटियों के न्याय के लिए, जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ब्रजभूषण के खिलाफ। पूरे देश से अपील है हमारी, लड़कियों को तो इस चीज को महसूस कर ही सकते हैं कि हम जिस चीज के लिए बैठे हैं वो 99% लड़कियां मतलब इस चीज को फेस करते हैं, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो। पूरे देश से हम समर्थन की उम्मीद करते हैं, पूरा देश हमारे साथ में भी है। जो उनको समर्थन दे रहे हैं उनके घर में बहन बेटियां नहीं है, शायद वो इस चीज को फील नहीं कर सकते, शायद वो अपनी मर्दानगी इस चीज में दिखाते हैं कि हम ब्रजभूषण मर्द है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इस चीज का समर्थन देना, मुझे लगता है उनके घर में बहन बेटियां हैं नहीं, या शायद वो उनको इज्जत करना आता ही नहीं है महिलाओं को। उधर ब्रजभूषण लगातार खुद को निर्दोष बता रहे हैं। मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं और इन आरोपों का सामना करने के लिए तैयार हूं। जांच एजेंसी जहां भी उचित समझेगी उसकी हर जांच में सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूं। बहरहाल पहलवान जंतर मंतर छोड़ने को तैयार नहीं है, जो ब्रजभूषण को चित करने के इरादे से धरने के दंगल में उतरे हैं। हिमांशु मिश्र, दिल्ली आज तक।